गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो देखिए बकरियों का झुंड, भेड़े हैं, सारी भेड़े हैं, भेड़े देखिए भेड़े हैं। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो अभी 6:15 होने वाले हैं और सुबह सुबह का नज़ारा देखिए। अभी सूरज देवता जी उगने वाले हैं, तो देखिए सूरज देवता जी की किरणें। तो सुबह सुबह सूरज देवता जी के दर्शन कीजिए। 6:30 हो चुके हैं और किरणें निकल आए हैं। सूरज देवता जी का नज़ारा अद्भुत लग रहा है। तो गाइस अभी झाड़ू ऊपर सारा झाड़ू लगाया है और अब बहुत ज़्यादा कूड़ा हो गया था और सोचा कि इसको आग लगा देते हैं। तो आम के पत्थर हैं ना, ये गिर जाते हैं, तो मैंने सोचा कि इसमें आग लगा देते हैं। और धूप भी बहुत तेज है, गर्मी लग रही है, तो चल ना मैंने दूसरी तरफ भी लगा दे। ये भी सारे पत्ते सूखे हैं ना, यहाँ पे आ गए। दे माचिस दे, मुझे मैं लगा दूँ। तो पत्ते वगैरह जो है ना वो इससे बहुत खलारा पड़ जाता है, हवा भी चल रही है। लग गई लग गई, सफाई कर लेते हैं क्या। और गाड़ियाँ जा रही है, नमन से कैमरा मैंने दे दिया है। तो देखिए धूप भी बहुत तेज है और मैंने तो अभी गर्मी सूट डाला है क्योंकि अंदर जो है ना वो ठंड लगती है। कल परसों से करूँगी मैं पतले कपड़े पहनूँगी, अब गर्मी का मौसम हो रहा है। और मेन रोड है, इसमें कोई ना कोई गाड़ी चली रहती है। तो देखिए पहाड़ों में अभी बर्फ बाकी है, थोड़ा थोड़ा, पूरी बर्फ पिघली नहीं है। तो अब धूप ज़्यादा होती है ना तो कपड़े वगैरह जो है ना वो जल्दी सूख जाते हैं, धोने की देरी होती है और शाम तक कपड़े सभी सूख के रेडी हो जाती है। और ये आ गई HRTC बस। कई बारी ये नहीं है, कई बारी पुरानी आती है और ठहर जा इससे फकोने तो दे, आगे कुत की चली गई। तो गर्मी भी है बड़ी कने, आगे चली गई तो और पंगा।
क्या हैं? देखिए गाइस, बड़ी बिल्ली है ये और इसके अब बच्चे हो गए हैं, लेकिन पता नहीं इसने अपने बच्चे कहाँ छुपा कर रखे हैं। और ये दूध मांगने आई हैं, तो इसको मैंने दूध दे रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि भूखी है बेचारी। देखिए धूप में कैसे सोई हुई है और मेरे से दूध मांग रही। आ ले, आजा, चल ले ले, चल मेरा बिल्लू, चलो 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 चलो। देखिए कैसे अपनी कोली के पास आ गई है, ले ये ले पी ले। जानवर तो आखिर जानवर ही होते हैं, बेचारों को जवान नहीं होती है। पता नहीं कितने बच्चे हैं। ये देखिए पेट इसका बिल्कुल बिल्कुल खाली हो गया, क्योंकि इसके बच्चे हो गए हैं। यहाँ पे आवाज़ आ रही है तो देख रही है यहाँ पे कि कोई चीज़ हो नहीं हो, तो बेचारी का पेट जो है वो भूखा है और खुद इसका पेट भरा होगा, तो अभी ये बच्चों को खाना दे सकेगी, दूध पिला सकेगी, तो ये तो बेचारे बेजवान जानवर हैं, इनको कोई देगा खाने को तभी होगा। तो देखिए कितने आराम से खा रही है। ना मैंने अंदर रोटी है, देख रोटी भी पान दी, तेरे पैर आवाज दिया है उसको, थोड़ा सा फुल्का है उसको भी देती हूँ, कि दूध से क्या गुजारा होगा इसका बेचारी का इतनी धूप में। और धूप कितनी तेज है और कैसे आराम से दूध को जो पी रही है। यहाँ से दे दे दे, पकड़ाए देते थे जो डरे कदी है ये, ले अद्धी कर, ले नठाई दीती ना, आ बिल्लू नमन से डर। तो देखिए मैं आ गई हूँ गाय को चराने के लिए, ये तीनों चर रही हैं। और वो वहाँ पे देखिए सफ़ेद डोगी है, ये चंडीगढ़ से आए हैं और नया है यहाँ से, तो यहाँ के डोगी इस बेचारे को डरा भी रहे हैं। और ये चला गया घूमने अपने मालिक के साथ, इनके घर जो है वो चंडीगढ़ में है और अपने मायके में आए हैं दो चार दिन के लिए। तो यहाँ से देखिए व्यू का नज़ारा इतना सुंदर लग रहा है। और टाइम हो गया है 5:30 हो चुके हैं, तो ये तीनों कितने आराम से घास खा रही हैं। और वो देखिए डॉगी आ रहा है लैंटर में और जा भी रहा है, ये बेचारा डर रहा है। वो देखिए लैंटर से आगे कहीं भी नहीं जा रहा है। और कितना सुंदर है वाइट रंग का, और यहाँ इस तरफ ही देख रहा है, गाय को देख रहा है, शायद मुझे भी देख रहा होगा। तो देखिए कैसे देख रहा है बेचारा, शरीफ शरीफ है, भौंक भी नहीं रहा है ये बेचारा। इसके मालिक जो है वो बातें कर रहे होंगे ना किसी से, तो ये धीरे धीरे घूम रहा है और फिर अपने मालिक के पास जा रहा है। तो देखिए ये ऊपर मंदिर भी है और ये साथ में मेरी मौसी जी का घर है। ये है मंदिर, बाहर से ही दिखाऊंगी मैं आपको। ये देखिए ये फूलनों होता है बहुत ही ख़राब, यहाँ से ही दिखाऊंगी मैं आपको, किसी दिन जाऊंगी अंदर। तो यहाँ पे शिव जी जी की मूर्ति लगी है और शिवरात्रि वाले दिन यहाँ पे बहुत बड़ा लंगर होता है, भंडारा लगता है, तो सभी गांव के लोग यहाँ पे आते हैं। और ये देखिए आते हैं और हवा भी चल रही है और बहुत ही सुंदर नज़ारा। और वो देखिए ऊपर स्कूल भी नज़र आ रहा है। तो गाइस आज का ब्लॉग बस इतना ही, मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। तो धन्यवाद और
इन तीनों को देखिए कितने आराम से घास खा।